करेंगे रोहतक का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया है और उसके बाद अब संबोधन दे रहे हैं। और तीज के पर्व के ऊपर तो तोहफा मांगा था कि गैस का सिलेंडर 500 जाए, आज हमारी सरकार ने वो 500 रुपए का सिलेंडर आज हमारी बहनों को मिल रहा है। ₹500 का गैस का सिलेंडर, विपक्ष के लोग बौखला गए हैं और विपक्ष के लोग बोलते हैं गए तो घोषणा हो रही है। मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ कि घोषणा नहीं है, हमारी सरकार ने इंप्लीमेंट किया है, जो बोला है उसको पूरा किया है। और मुझे यह भी खुशी है इन 10 वर्षों के अंदर आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है भाइयों अपने समय में ही उसको लागू किया है, धरातल के ऊपर उतारा है। ये बड़ा पिछले 10 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का गौरवशाली कार्यकाल रहा है। भाइयों हमने किसानों को मजबूत किया है, किसानों में उत्साह है, किसानों में जोश है। ये पहली बार आपकी सरकार ने विभिन्न निर्णय लिए, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे किसान को कंट्रोल रेट के ऊपर भाइयों यूरिया खाद के ऊपर सब्सिडी दे करके उनको भाव नहीं बढ़ने दिए हैं, चाहे किसान की फसल को MSP पर खरीदने की बात है। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि किसान की 100% फसल वो MSP के ऊपर हरियाणा प्रदेश की सरकार खरीदेगी। भाइयों ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, मुझे खुशी है। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि अब की बार बरसात कम हुई है, बरसात कम होने के कारण मेरे किसान के खर्चे बढ़ गए हैं, उसके खर्चे कम हो उसको लाभ मिले। हमने ये निर्णय किया कि हर किसान के, ये हमारी सरकार ने फैसला किया कि हर किसान के खाते के अंदर ₹2,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने ही निर्णय किया है, ताकि किसान के ऊपर ज्यादा वजन ना पड़े। भाइयों किसानों में उत्साह है, लगातार पैसा जा रहा है, 525 करोड़ से ज्यादा पैसा किसान के खाते के अंदर चला गया है। भाइयों लगातार ये सरकार हर वर्ग के लिए मजबूती से काम कर रही है। हमारी सरकार ने गरीबों के हित में भी, उनको मजबूत करने का भी ये संकल्प ले रखा है। हम जब देखते हैं हमारे गरीब जो भाई बहन थे, कांग्रेस ने तो उनको लॉलीपॉप दे दिया था, हुड्डा साहब ने कहा वोट दे दो 100 गज का प्लाट देंगे। भाइयों कहे तो दिया, उन्होंने वोट भी दे दिया, परंतु न कागज मिले न कब्जा मिला, वो लोग घूम रहे थे। हमारी सरकार ने आकर के निर्णय किया, उन सब लोगों को कागज भी देने का काम किया और कब्जा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। भाइयों हमने ये निर्णय तो किया, इसके साथ साथ हमने एक और निर्णय किया। हमने ये भी निर्णय किया, एक योजना बनाई कि अगर किसी को 100 गज का प्लाट नहीं मिला, कोई फ्रेशर व्यक्ति है वो रजिस्ट्रेशन करे, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आचार संहिता लग गई है, नहीं तो लगभग 50-60 हजार परिवारों को तो 100 गज का प्लाट में दे देता अगर ये आचार संहिता ना लगती। हमने पूरी तैयारी कर ली है, 4 तारीख के बाद ऐसे लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है कि हमारे पास 100 गज का प्लाट नहीं है, हमारी सरकार उन सबको भी 100 गज का प्लाट देने का काम करेगी। भाई हमने महाग्राम के लिए भी, हमने महाग्राम के लिए भी योजना बनाई है कि जो बड़े गांव हैं जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है, ऐसे गांव के अंदर भी
50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार 4 तारीख के बाद करेगी। भाइयों, हमने एक और निर्णय किया गरीब लोगों के लिए जो शहर के अंदर रह रहे हैं, ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, मैंने उस मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके भाइयों यहीं रोहतक के अंदर पिछले दिनों एक लिस्ट जारी की थी मैंने। ऐसे 15,240 लोग हैं जिनको हमने 30-30 गज का प्लाट शहर के अंदर भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। जो बच गए हैं शहर के अंदर, हम 4 अक्टूबर के बाद उनको भी देने का काम करेंगे। सारी प्लानिंग बन गई है, सारी योजना बन गई है। हम वितरित कर रहे थे चुनाव आयोग के अंदर, हमारी भर्तियां भी चल रही थी, परंतु कांग्रेस को दर्द हो गया, हाई कोर्ट में चले गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक भर्ती रोक को गैंग बना रखा है, कांग्रेस के नेताओं ने भर्ती रोक को गैंग, वो खड़े रहते हैं, कोई भी हम भर्ती निकालते हैं सबसे पहले जाकर के वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, फिर हमें भी कोर्ट में जाना पड़ता है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है। और मैंने 50,000 की और घोषणा कर दी थी, हम लगातार दे रहे थे। अभी 6,500 पुलिस की भर्ती के इंटरव्यू हो लिए हैं, उनका पेपर होने वाला है, परंतु रिजल्ट 4 तारीख के बाद निकलेगा। अभी कुछ और रिजल्ट रोक रखे हैं, रुक गए हैं, वो भी 4 तारीख के बाद निकलेंगे। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आज ये डबल इंजन की सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है। इन अफवाहें जो ये फैलाते हैं, इन अफवाहों से भी हमें बचना चाहिए। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अभी पिछले दिनों कि जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लगना शुरू हो गया है, उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। भाइयों, ये भी हमने निर्णय किया है, क्योंकि तुरंत आचार संहिता लग गई है, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था उसमें संकल्प लिया था, और हमने आकर के यहाँ पर लागू कर दिया। मैंने अधिकारियों को कहा कि इसकी तुरंत योजना बना करके लोगों को लाभ देना शुरू कर दें, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसके अंदर 60,000 रुपये मैं दूंगा, 50,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है, और बेनिफिशरी को कोई पैसा नहीं लगना, उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है लगभग 5,000 से ज्यादा छतों के ऊपर, घरों की छतों पर ये सोलर पैनल लग चुके हैं और लगातार लग रहे हैं। 1 लाख का टारगेट हमने पहले फेज के अंदर रखा है ताकि लोगों के बिजली के बिल 0 हों। ये गरीबों को मजबूती का की तरफ ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया गरीब व्यक्ति को जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उसने दवाई लेने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना है, उसने सामान लेने के लिए बाजार में जाना है, उसने कहीं अपनी रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, भाइयों उसके सामने दिक्कत आ जाती थी किराए की, हमने हैप्पी कार्ड योजना बनाई, एक कार्ड उनको दिया, ये कार्ड उनके पास चला गया, उस योजना का लाभ भी ले रहे हैं। 1 साल के अंदर 1,000 किलोमीटर तक कोई भी किराया नहीं लगेगा, वो कहीं भी जा सकते हैं हरियाणा रोडवेज की बस के अंदर, ये सुविधा हमारी सरकार ने दी है। भाइयों, हमने गरीबों के लिए, हाँ दादा ने ठीक कहा, दादा राम राम आपको, आपने ठीक कहा, यो मालक हमारा, यो मालक है। मैं एक दिन गया रोड से आ रहा था, और दादा ने ट्रैक्टर इकट्ठे कर लिए पूरे कि मारा मुख्यमंत्री आ रहा,
मैं तो वही ट्रैक्टर पर चढ़ गया, दादा नाराज हो गया, कहा नहीं मेरी कुर्सी यहाँ लगा रखी, यहाँ से आए। मैं ट्रैक्टर से उतर कर दादा के पास गया। मैं कहा ना दादा के पास जाना है। ये बड़े हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। मित्रों बहुत सारे काम किए हैं, मेरा कार्यक्रम हिसार के अंदर है, मैं लेट हो गया हूँ, मैंने वहाँ पर जाना है। आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ और आप लोगों से एक अपील भी करता हूँ कि जब इतने काम किए हैं भाई, कांग्रेस का तो बस्ता नहीं लगना चाहिए कहीं भी, यो काम कर दो आप। हैट्रिक का ना ये संकल्प ले लो, ये संकल्प लेकर के काम करो। किसी भी घर के अंदर आप लोग जाएंगे, आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। ये काम ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं भाइयों। एक एक घर को जाकर के छान दो और उनको बोलो अगर कोई योजना के लाभ से छूटा है 4 अक्टूबर के बाद आप वहां कमिटमेंट करके आना, हमारी सरकार आपके घर पर पहुंचाने का काम करेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। रोहतक में पहुंचे, आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने। रोहतक में मंगल कमल इसे नाम दिया गया। और इस दौरान एक बार फिर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग बनाया, 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने रोजगार दिया, लेकिन जब भी हम नई भर्ती निकालते हैं तो कांग्रेस का ये भर्ती रोको गैंग एक्टिव हो जाता है और अदालत पहुंच जाता है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश के युवाओं को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास के काम हो रहे हैं।